क्रेडिट कार्ड यूजर्स के सामने 1 जुलाई से नई मुश्किल पैदा होने जा रही है। जून का महीना खत्म होते ही 1 जुलाई को क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक ऐसा नियम लागू होने वाला है जिसका सीधा असर आपके ऊपर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि वो क्या है, तो सीधे सीधे बताएं तो अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट क्रेड, पेटीएम, फोन पे जैसे किसी ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं, तो आपके लिए एक अलर्ट होने का समय आ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से रिजर्व बैंक का नया नियम लागू होने वाला है। आइए जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक का नया आदेश क्या है और इसका आपके ऊपर, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि 30 जून 2024 के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS यानी BBPS के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों ने BBPS एक्टिवेट नहीं किया है। इन तीन बड़े बैंकों की बात करें तो सिर्फ इन तीनों ने कस्टमर्स को 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हैं। ऐसे में अगर आप भी इन बैंकों के कस्टमर हैं तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि 30 जून के बाद क्या बदल जाएगा। तो जिन बैंकों या लैंडर्स ने अभी तक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है वो भी 30 जून के बाद उनके लिए क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बता दें कि फोन पे और क्रेड जैसे फिनटेक जो पहले से ही BBPS के मेंबर हैं उनके लिए 30 जून तक RBI के निर्देशों को मानना जरूरी है। जहां बड़े बैंक फिलहाल रिजर्व बैंक के इस नए नियम को मानने की स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में नहीं है। ऐसे में पेमेंट इंडस्ट्री ने आखिरी डेट को 90 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 8 बैंकों ने अभी तक BBPS पर बिल पेमेंट सर्विस को एक्टिवेट किया है। हालांकि कुल 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी है, लेकिन इनमें केवल 8 बैंक ही फिलहाल BBPS को चालू कर चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि किन बैंकों ने BBPS को एक्टिवेट किया है। तो बता दें कि इसमें SBI कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे लैंडर शामिल हैं जिन्होंने BBPS एक्टिवेट करा लिया है। अब आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट का आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि इससे पेमेंट ट्रेंड्स के लिए बेहतर विजिबिलिटी मिल जाएगी। वहीं इसके जरिए धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में और उसे सुलझाने का बेहतर तरीका मिल सकेगा। अब यहाँ BBPS की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। बिल पेमेंट का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस मुहैया कराता है। ये NPCI की देखरेख में काम करता है। भारत बिल पे एक ऐसा इंटरफेस है जो फोन पे, क्रेड समेत अन्य फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है और इसके माध्यम से अलग अलग के बजाय आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड बाजार का गणित भी आप समझ लो। क्रेडिट कार्ड बाजार में सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। इसके ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ है। इसके बाद SBI का नंबर आता है जिसने 1.9 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वहीं ICICI बैंक ने 1.7 करोड़, एक्सिस बैंक के पास है 1.42 करोड़ क्रेडिट कार्ड ग्राहक। वहीं इसके अलावा कोटक बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक के पास 10 लाख से लेकर 60 लाख तक ग्राहक है। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए 1 जुलाई के बाद से सावधान होने वाली बात है। नहीं तो हो सकता है कि आप पेमेंट तो करें लेकिन ये क्रेडिट कार्ड कंपनी तक ना पहुंचे। अगर आपके पास भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मनी9।